नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, कल की हमारी वीडियो थी, हमने 24 स्लॉट का एक समर्सिबल मोटर का चैन वाइंडिंग का एक डायग्राम आपको बताया था और कहा था कि इसका जो कनेक्शन है हम कल बताएंगे, तो आज हम इसको बताने वाले हैं। तो देखिए, पहले था क्या, ये ध्यान से देख लीजिए। एक मोटर है 24 स्लॉट की, ये समर्सिबल या पनडुब्बी मोटर हो सकती है, सेम तरीके से वाइंडिंग होती है इसकी। तो इसका चैन वाइंडिंग किस तरह से करते हैं, तार डालते हैं, तो वो हमने इसका बताया था, ठीक है। और इसमें टोटल 12 तार निकले थे, 6 इनर निकले थे, 6 आउटर निकले थे। टोटल 6 सेट मोटर के अंदर डले थे, दो दो कॉयलों के, दो दो कॉयलों के 6 सेट डले थे। तो उसका आज हम कनेक्शन बताएंगे। इस मोटर के अंदर स्टार और डेल्टा दो तरह के कनेक्शन होते हैं, तो आज हम उसके स्टार कनेक्शन बताएंगे, फिर इसका डेल्टा का भी पार्ट हम आपको देंगे, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सिंबल धरा है ये है स्टार कनेक्शन का। मोटर के अंदर हमने चैन वाइंडिंग की थी। आपको बता दें कि चैन वाइंडिंग हो या आपकी फिर नॉर्मल वाइंडिंग हो, जिस मोटर के अंदर आपने टोटल 6 सेट डाले हैं, 24 स्लॉट वाली मोटर के अंदर 6 सेट डाले हैं, 3 फेज समर्सिबल में या 3 फेज पनडुब्बी समर्सिबल में, तो उसमें इस तरह से होते हैं। ये एक सेट है दो कॉयलों का, ये दो कॉयलों का एक सेट, ये दो कॉयलों का एक सेट, मतलब सभी सेट दो दो कॉयलों के हैं। टोटल 6 सेट हैं, सभी के अंदर, हर सेट के अंदर दो दो तार निकले हुए हैं, एक इनर है एक आउटर है, ये दो साइड हैं, ठीक है। तो इसके स्टार कनेक्शन आज हम आपको बताएंगे, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से हम शुरू करते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं कनेक्शन देना। तो हर एक सेट के दो पॉइंट होते हैं, एक इनर पॉइंट एक आउटर पॉइंट। यहां से इस साइड हमारा इनर पॉइंट होता है, मतलब छोटी, इसके अंदर दो क्वाइल है सेट के अंदर, पहले छोटी क्वाइल है उसका इनर तार है, फिर बड़ी क्वाइल है उसका आउटर तार है। तो ये छोटी क्वाइल है, हमने यहां से स्टार्ट किया था, ये जो तार है इनर तार है, और फिर बड़ी क्वाइल ये वाली है, इस छोटी क्वाइल के जस्ट ऊपर होती है। इस साइड में दो क्वाइल है तो ये इस साइड से आउटर तार फिर निकलती है। इस पे मैं ओ लिख देता हूं, ठीक है। ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया, सभी सेट के अंदर ऐसा ही है, सेम टू सेम, ठीक है। मैं यहां पे कलर चेंज करूंगा, छोटी कॉइल का तार जो है, ठीक है, वो है इनर, और बड़ी कॉइल का तार जो है आउटर है, ठीक है। इसी तरह इस कॉइल के अंदर ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया, इसके अंदर भी इसी तरह से इनर हो गया आउटर हो गया। फिर इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से इनर हो गया आउटर हो गया, ठीक है।
अब जो ये वाली कॉइल है, ये वाला सेट है सेम टू सेम, इनर हो गया, आउटर हो गया। तो हमने यहां से डालना शुरू किया था, ये जो है पहला सेट है ये वाला, इस पे मैं नंबर डाल देता हूं 1, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, ये पांचवा और ये छठा। तो हमने यहां से यहां पर खत्म किया था, यहां से डालना स्टार्ट किया ऐसे ऐसे और यहां तक कॉइल को डाल दिया था, ठीक है, डायग्राम से बताया था हमने। तो अब इसके कनेक्शन देखिए ऐसे हैं, इस तरफ हम अगर चलेंगे तो इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर इनर आउटर, ऐसे कैसे आपको सीधा का सीधा चलना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, चाहे आप नॉर्मल वाइंडिंग करो या आप चेन वाइंडिंग करो, आमने सामने वाले सेट आपको देखने हैं। तो कनेक्शन जहां से देना है उस सेट से लेके लास्ट तक यही देखना है। तो हम पहले सेट से कनेक्शन दे रहे हैं, तो पहले सेट के सामने बिल्कुल सामने जो सेट है उसको हम पकड़ेंगे, तो इसके सामने जो सेट है ये वाला है, एक नंबर के सामने चार नंबर वाला है, ठीक है। तो आपको एक नंबर का इनर तार छोड़ देना है और आउटर तार पकड़ना है, ठीक है, एक नंबर का इनर छोड़ देना है और आउटर तार आपको पकड़ना है, ये चीज आप ध्यान रखना है। और आप ये जो आउटर तार है चार नंबर के आउटर से आपको जोड़ देना है, मतलब आमने सामने आपको जोड़ने हैं, आउटर से आउटर जोड़ना है, ये चीज ध्यान रखिए, आउटर से इनर मत जोड़ देना, ठीक है। तो ये दोनों इन सेटों की, ये दोनों सेट आमने सामने हैं, अब इसका हम आउटर जोड़ने वाले हैं, तो इसका आउटर के सामने बिल्कुल ये वाला है, तो इसको हम जोड़ देंगे जस्ट, ठीक है, आउटर से हम आउटर को जोड़ देंगे। तो आप बाहर से भी देख सकते हो, अंदर के अंदर मैं आपको जोड़ के दिखा सकता हूं। तो स्टार कनेक्शन इसको हम बोलेंगे, फिर स्टार कनेक्शन इसको बाद में देंगे, पहले आउटर आउटर हम आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां से हमने आउटर पकड़ा, हम आपको बाहर से ही बता देते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, पहले सेट का चौथे सेट के साथ आउटर तार जुड़ गया है, दोनों का आउटर आउटर जुड़ गया है, इनर इनर बच गए, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ना है, अगले सेट की तरफ बढ़ना है, यानी कि दूसरे सेट की तरफ बढ़ना है। तो ये वाला है दूसरा सेट, अब दूसरे सेट के साथ भी आपको यही देखना है कि इसके जस्ट सामने कौन सा, इसके जस्ट सामने है पांचवा, तो पांचवे के साथ कनेक्शन देना है आउटर के साथ, आउटर का सेम टू सेम, ठीक है। सेम तरीके से आपको कनेक्शन देना है, इस तरह से दूसरे का आउटर पांचवे के आउटर से जुड़ गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे चलते हैं, अब तीसरे का आउटर आपको पकड़ना है सेम तरीके से, और तीसरे के सामने है छठा, ठीक है।
तो छठे के आउटर में इसका जोड़ना है आउटर। इस तरह से तो देखिए हमारे पास टोटल 12 तार थे, 6 इनर और 6 तार आउटर। अब हमारे पास आउटर आउटर सारे जुड़ गए हैं, सारे के सारे इनर बचे हैं, टोटल 6 तार इनर ही बचे हैं, बाकी कोई तार नहीं बचा। ठीक है, आउटर आउटर सारे जुड़ गए हैं, अब इनर इनर हमारे बचे हैं। तो अब देखिए ये जो इनर इनर बच्चे हैं इनके हमको कनेक्शन देने हैं। ठीक है, तो किस तरह से देने हैं ध्यान से देखिए। तो हम पहले से ही शुरुआत करते हैं इनर जोड़ना। तो पहले का जो है एक तार पकड़ लीजिए पहले सेट का, ठीक है, इनर तार। दूसरे का इनर तार छोड़ दीजिए। फिर तीसरे का जो है वो इनर तार पकड़ना है आपको, तीसरे का इस तरह से। फिर चौथे का छोड़ देना है। फिर पांचवे का इनर तार पकड़ना है। ठीक है, तो हमने एक पकड़ा, एक स्किप किया, फिर एक पकड़ा, फिर स्किप किया, इस तरह से। ठीक है, पहला तीसरा और पांचवा, इन सेट के तीनों इनर तार, पहले का तीसरे का पांचवे का, तीनों सेट के जो इनर इनर तार है उनको आपस में जोड़ देना है, जस्ट इस तरह से। जैसे कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, जैसे ये पहला है इस तरह से, ये पहला है, ये तीसरा है और ये पांचवा है। तीनों के इनर इनर जो तार हैं उनको आपस में जोड़ देना है तीनों, इस तरह से। ठीक है, तो मैं अंदर की तरफ ही जोड़ के आपको बता देता हूँ। तो ये पकड़ा था, ये पकड़ा था और ये पकड़ा था, तो मैं यहीं से ही इसको जोड़ के बताता हूं। ठीक है, एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया, और ये जो पॉइंट है, जो बीच का जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो बीच का जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल। तो मैं यहां पे एन लिख देता हूं, ये पॉइंट है न्यूट्रल है, इसको आपको ढक देना है कच्चा रबड़ और टेप लगा के। ठीक है, अब हमारे पास टोटल तीन तार ही बचे हैं, दूसरे का इनर बचा है, चौथे का इनर बचा है और छठे का इनर बचा है। ठीक है, तो आप डायग्राम का जो है स्क्रीनशॉट कर लेना है, तीन तार हमारे बचे हैं। अब ये तीन जो है उसमें हम तीन फेस दे देंगे, दूसरे का जो है वो बन जाता है फेस वन। ठीक है, चौथे का इनर बन जाता है फेस टू, छठे का बन जाता है फेस थ्री। ये तीन फेस है, ये हमको केबल से बाहर निकाल देने हैं डायरेक्टली, कुछ भी नहीं करना, बस ये कनेक्शन है। ठीक है, इसमें आप केबल जोड़ सकते हो, तीनों में कोई से में कोई से कलर की केबल जोड़ सकते हो, केबल के अंदर तीन तार वाली केबल आप जोड़ सकते हो, जैसे कि आर वाई बी। ठीक है, रेड
येलो ब्लू कलर की केबल आप इसमें जोड़ सकते हो, तो ये कनेक्शन हो गए हैं। तो समरसीबल की थ्री फेज समरसीबल की कोई भी मोटर हो जिसके अंदर 12 तार निकले हो, दो दो कॉयलों के 6 सेट डले हों, या तीन तीन कॉयलों के 6 सेट डले हों, अगर ज़्यादा स्लॉट की है तो तीन तीन कॉयलों के 6 सेट डले हों, तो इस तरह से उसमें कनेक्शन कर सकते हो। पनडुब्बी समरसीबल में भी इसी तरह से किया जाता है, चैन वाइंडिंग में भी इस तरह से किया जाता है, नॉर्मल वाइंडिंग में भी इस तरीके से किया जाता है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके बहुत काम आने वाला है ये डायग्राम, बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है। तो कैसी लगी वीडियो, थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मैं बहुत ही धीरे धीरे आपको समझा रहा था, बता रहा था। तो अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर हम डेल्टा की वीडियो भी डाल देंगे कि 12 तार के जो कनेक्शन होते हैं उसमें डेल्टा कैसे करते हैं, तो उसकी भी हम डाल देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।